हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ लाई हूँ स्पॉन्ज केक की रेसिपी। दोस्तों, ये रेसिपी जितना आसान है उतना ही टेस्टी है। दोस्तों, ये एकदम नरम स्पॉन्ज जैसा बनेगा। दोस्तों, ये अगर आप एक बार खाओगे तो बाजार वाले स्पॉन्ज केक आप भूल जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक बोल ले लिया है। बोल में हम 4 अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जितना केक ज़्यादा बनाना हो तो आप उतना ज़्यादा अंडा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ग्लास के मेजरमेंट से बताऊंगी। तो दोस्तों, हमने अच्छे से अंडे को विस्क करना है जब तक कि इसमें झाग ना आ जाए। आप देख सकते हो धीरे धीरे इसमें झाग आना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको कर ले, और जब तक कि इसमें कुछ इस तरीके से ऊपर झाग ना आ जाए तब तक आप इसको करते रहे। और अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक ग्लास ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आपको अंदाज़ा लग गया होगा, अगर आप 4 अंडे ले रहे हो तो आप एक ग्लास ऑयल का इस्तेमाल करें, और अगर आपने 2 लिया है तो 1/2 ग्लास, और अगर आपने 8 अंडे लिए हैं तो 2 ग्लास ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे ऑयल के साथ जब तक कि ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। अच्छे से आप विस्क करें। दोस्तों, केक बनाने में विस्क करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जितना आप अच्छे से इसको मिलाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा स्पॉन्ज केक बनेगा। अभी हम इसमें क्या करेंगे, आधा ग्लास चीनी डाल देंगे। चीनी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आप 4 अंडे से बना रहे हो और 1 ग्लास ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसमें आधा ग्लास ही चीनी डालें, ये काफ़ी है। और अभी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। और अभी हम इसमें क्या करेंगे, 2 ग्लास मैदा डालेंगे। अगर आपने 1 ग्लास ऑयल डाला है तो आपको 2 ग्लास मैदा डालना है, और अगर आपने आधा ग्लास ऑयल लिया है तो आपने क्या करना है, 1 ग्लास मैदा डालना है। तो आप इस तरीके से आप मेज़रमेंट कर सकते हो 1 ग्लास के मदद से। और हम इसको अभी अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो बैटर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा ढीला करने के लिए यहाँ पे आधा ग्लास दूध डाल रहे हैं। अगर आपका जो बैटर है वो ठीक ठाक बना है तो आप उसको दूध थोड़ा सा ही इस्तेमाल करें, और अगर आपको अगर लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है तो थोड़ा सा दूध और डाल लें, और इसको कुछ इस तरीके से रनी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर लें। तभी आपका जो स्पॉन्ज केक है वो अच्छे से सॉफ्ट बनेगा और अच्छे से फूलेगा भी। अभी हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे, साथ ही में हम यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। दोस्तों, याद रखें, एक अच्छा केक बनाने के लिए आपको बेकिंग पाउडर के साथ में बेकिंग सोडा भी डालना ज़रूरी है। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फाइन पेस्ट बना है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका एक स्मूथ टेक्सचर में कन्वर्ट करना है। जितना स्मूद आपका बैटर होगा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनेगा। तो अच्छे से इसको घुमा ले, जितना टाइम हो सके आप इसको घुमाते रहे। अगर आप कोई मशीन से कर रहे हो तो ये जल्दी हो जाता है, लेकिन हाथों से करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों, अभी हमारा बैटर एकदम रेडी हो चुका है। अभी हमने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे इसमें, और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। साथ ही में हम इसमें क्या करेंगे, एक पेपर हार्ट शेप का मैंने यहाँ पे मोड़ लिया है, तो हार्ट शेप का पेपर हम इसमें रख देंगे। दोस्तों, अभी हम जो बैटर है वो आधा ही डालेंगे। ध्यान रहे, जब ये फूलेगा तो ये मोल्ड के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर मोल्ड के बाहर जाएगा तो केक जो है वो फट जाएगा। तो हमने इसको हाफ ही डालना है, और हम इसको अभी बेक करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ओवन ले रहे हैं। ओवन पे हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पे हमने 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स तक बेक किया है, और यहाँ पे हमारा जो केक है वो पक चुका है। अभी हम इसको निकाल लेंगे और इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो केक है वो बेक हुआ है, और ये हार्ट शेप का है, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर क्रीम भी ऐड कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही खा सकते हो। ये एकदम स्पॉन्जी केक बना है। दोस्तों, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हम हमारे चैनल पे ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ लाते रहेंगे।